विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने देश प्रदेश वासियों से कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। पर्यावरण दिवस पर हम सब संकल्प लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पौधारोपण कर उसे वृक्ष बनाएंगे, उसका संवर्धन करेंगे, जिससे पर्यावरण हमारे अनुकूल होगा। मंत्री पटेल ने अपने संदेश में प्राकृतिक खेती के साथ गौ संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती के साथ गाय की रक्षा करना जरूरी है। गोबर से खाद, गौमूत्र से दवाइयां बनाकर अपने खेतों में सींचे ताकि हमारे खेत की मिट्टी बचे, पर्यावरण के साथ जीवन बचेगा जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सभी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार। मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है और आइए आज के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे और इसलिए पौधारोपण करेंगे, वृक्ष बनाएंगे, पौधे को उसको पालेंगे, उसको सिंचित करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे, जिससे पर्यावरण हमारे अनुकूल होगा। साथ ही हम खेती भी प्राकृतिक खेती करें, गौ की रक्षा करें, गोबर से खाद, गौमूत्र से दवाई बनाकर अपने खेतों में सींचे ताकि हमारी मिट्टी बचेगी, पर्यावरण बचेगा, जीवन बचेगा, शुद्ध अनाज हमको मिलेगा जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। पूरे विश्व को हम स्वस्थ रख सकते हैं। यह हमारे लिए अवसर है कि पूरी दुनिया कोरोना के बाद शुद्ध अनाज चाहती है और भारत के लिए अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती का आह्वान किया है। आइए आज के दिन हम संकल्प लें कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे और पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे, मिट्टी की भी रक्षा करेंगे।